जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल का एक सेट जो कि पूछा गया है 11/7/2024 सिप नंबर 2। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथ ही साथ बता दें इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 16 है, इसके परिमाप और माध्यिका के योग का अनुपात ज्ञात करो। देखो पहले कुछ चीजों को जानू, जैसे कि ये एक समबाहु त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा। अब इसकी भुजाएं हमने सारी की सारी AA मान लिया, तो इसका अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप इसका 3A हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड होता है। अब माध्यिका, देखो समबाहु त्रिभुज में जो हाइट होती है, ये जो हाइट है यानी शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड, माध्यिका, मीडियन, ऐसे नामों से जाना जाता है, तो इसी को ही हम लोग माध्यिका बोलते हैं इक्विलेटरल में, और जो कि ये एच होता है और ये हाइट होती है प्यारे दोस्तों √3/2a। यानी प्रत्येक माध्यिका की लंबाई ये होगी, ऐसी तीन माध्यिकाएं होंगी इधर से भी इधर से भी, तो यहां पर रेशियो लेना है हमको, तीन ऐसे और लिख लीजिए और माध्यिका √3/2a ऐसे। ये तो ये स्वाहा, ये भी कटा और ये दो यहां आ जाएगा, यानी 2:3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आंसर 2:3 हो जाएगा। कहता पाई चार्ट स्कूल नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या को दर्शाता है। डाले गए वैध मतों की कुल संख्या 720 थी, विजेता ने निकटतम प्रतियोगी को कितने मतों से हराया। अब कितने हारों से कितने मतों से हराया, ठीक है क्या दोस्तों? एक चीज देखो, सबसे ज्यादा एंगल किसका बड़ा, क्यूरमन का, जो कि 120 डिग्री है। उससे छोटा कौन सा है, विश्वनाथ का, जो कि 100 डिग्री है। यानी विश्वनाथ क्यूरमन से 20 डिग्री से हार गया, तो वो 20 डिग्री से जीत गया, तो हमें 720 का 20 डिग्री ऊपर लिखो और ये पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो 360 ऐसे लिख दो बस और कैलकुलेट कर लो। 360 से ये दो बार में गया, 2×20 40 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 44% वोट मिले और दूसरे को 1440 वोटों से हराया गया। देखो टोटल प्यारे दोस्तों एज ए 100% होता है। अब एक को 44% मिले तो बाय डिफॉल्ट दूसरे को 56% मिला होगा क्योंकि दोनों का सम 100 होता है। अगर हम दोनों का अंतर देखें तो जो जीतने वाला बंदा है वो 6×12% वोट से जीत गया होगा। अब क्या दूसरे उम्मीदवार से इतने वोटों से हरा दिया, तो यदि कोई भी अवैध नहीं टोटल, तो यही 12% के मान जो आपके सामने है 12%, यही वैल्यू हमें 1440 के बराबर हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों 12% बराबर 1440 के, तो 1 बराबर 120 के, 100% का आपको मान चाहिए होगा, तो यहां पर 120 का आप गुणा कर दीजिए तो 12000 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 12,000। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अनार के रस में 10% चीनी का घोल है, संतरे के रस में 30% चीनी का घोल है, 2 लीटर अनार के रस को 3 लीटर संतरे के रस को मिश्रण में चीनी का घोल कितना। देखो अनार का 2 लीटर, 1 लीटर में 10%, तो 2 लीटर में 20% मान लीजिए, एवरेज कर लेते हैं, और 3 लीटर संतरे का है तो ये 30% बोल रहा है। दोनों को मिलाकर एक नया मिक्सचर तैयार किया गया, कुछ नहीं करना, ये 20% हो गया, ये 90 हो गया, टोटल अब हमारे पास 5 लीटर है, 5 से भाग दे दो
110 बटा 5 यानी 22% हो जाएगा। सिंपल तरीके से कर दिया, बाकी तरीके और भी है इसको करने के, कोई बात नहीं ऐसे ही सीख लो। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को एक दूसरे जोड़कर बनाया जाता है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यानी टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको यह देखना है कि कैसे बनाया गया तो वो मैं दिखा देता हूं। जैसे ये आपने देखा एक स्क्वायर बनाया, इसको सीखना लाइव यूट्यूब के इतिहास में। और ऐसे अब हमसे कह रहा है 3 घनों को जोड़ा गया, अभी देखना आपको 3D में ही नजर आएगा, ये निंजा टेक्निक है अपनी। देख रहे होंगे 3 घन जुड़ गए हैं प्यारे दोस्तों। अब सभी की लेंथ क्या है, 5 5 5 5। आप देख सकते हो लंबाई 15 हो गई, चौड़ाई 5, ऊंचाई 5। यानी अगर हमें ये फॉर्मूला लगाना 2LB BH और HL का ये फॉर्मूला हमें लगाना है तो कैसे, 2 ऐसे लिखा ठीक है, अब लंबाई हमारी 15 है, चौड़ाई 5 है, ऊंचाई भी 5 है, तो 15×5=75 हो गया, 5×5=25 हो गया, और 15×5=75 हो गया, 100 ऐसे, 175 ऐसे हो गया, 175 का दुगना 350 हो गया, 350 हो गया, 350 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो 350 हो जाएगा। कहता 6 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा जमीन पर 4 मीटर लंबी छाया डालता है, उसी समय एक मीनार 28 मीटर लंबी छाया डालता है, मीनार की ऊंचाई कितनी है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऐसे करके डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि 2 खंभे बनाने हैं तो एक ही में डायग्राम में हम बना लेते हैं, इसी पे ही बना लेते हैं, वरना अलग अलग भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। 6 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ये 6 मीटर लंबा है और 4 मीटर लंबी छाया प्रकट करता है। फिर कहता उसी समय एक मीनार जो 28 मीटर लंबी छाया, यानी ये मीनार है, ये खंभा मीनार बड़ी 28 मीटर छाया प्रकट कर रहा है, तो हमसे कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खत्म बात। बच्चा बच्चा जानता है कि ये 90 होगा, ये 90, ये दोनों में कॉमन होगा थीटा 90, थीटा 90, तो बाय डिफॉल्ट ये यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यानी 6/x ऐसे लिख दीजिए और 4/28 ऐसे लिख दीजिए, बस ये हो गया 7×42 यानी x=42 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आज की डेट में सारा बच्चा ये चीज जानता है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये क्वेश्चन आप वाया ऑप्शंस करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। एक स्टार इसलिए लगा दे रहे कि आप इसको याद रखें। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो कुछ सभी के अंकों का योग 9 है, इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक। अब देखो 18 लिखा है, 81 कर लो, 72 कर लो, 63 कर लो और 45, तो देखो ये तो 54 से 45 यानी ये कम हो गया, ये कहीं इसमें 36 और 63 में कहीं 45 का अंतर नहीं आ रहा है, 18 81 में भी नहीं आ रहा, इसमें आ जाएगा 72 यानी 12 में से 5 गया 7 आया, 6 में से 2 ये, यानी बी इज द राइट आंसर। चेक जरूर करो सारे ऑप्शंस। क्वेश्चन आसान है, कहता भैया क्या कहता है, डी ई डब्ल्यू में एक ट्रायंगल है जिसका नामकरण डी ई डब्ल्यू में ए बी ई डब्ल्यू पैरेलल, ई डब्ल्यू तो ये हो गया तो ए बी इसे घोषित कर दो, कह रहा है ए बी ई डब्ल्यू पैरेलल है और हमसे कहता है
AD बराबर 4 के, ध्यान देना DE 12 के, DW 24 के। तो कहीं ना कहीं सारे मान हमें दे दिए हैं, 4 DE 12 के, AD 4 तो DE 12 में 4 गया तो ये 8 आ जाएगा, और DW 24 कह रहा है DB। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जिस रेशियो से ये दोनों भुजा उसी रेशियो से, तो ये 8 4 का रेशियो होगा 1:2, तो ये भी भुजा 1:2 के रेशियो से ही डिवाइड हो जाएगी। टोटल 24 है तो 3 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 8 के, तो ऊपर वाली 8 और ये 16। और हमसे कह रहा है डीबी का मान बताइए, तो डीबी का मान प्यारे दोस्तों 8 आ जाएगा। क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत सा बच्चा घबरा जाएगा और कहेगा सर इसको कैसे सॉल्व करें। देखो पहला तरीका क्या है कि आप YouTube में सर्च करना, क्या ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स प्रकाश सर मैथ। आज से 2 साल पहले ही हमने इसका वीडियो बना दिया था, क्योंकि मैं रेलवे पढ़ाता था और रेलवे में ही क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे 2021 में, समझे नहीं समझे, 24 में आया CHSL में, वो भी शायद एक ही आया है, हो सकता है आगे वाले सेटों में हो, वो बात की बात है। तो जब उस वीडियो को देखोगे आत्मा तृप्त हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा 20-25 मिनट का वीडियो है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन करवाए हैं 20-25 मिनट में भी, देखना खुशी मिलेगी। बहुत सिंपल वे में आपको हम ये क्वेश्चन सिखा दे रहे हैं, अब बिल्कुल एग्जैक्ट किताबी मेथड से नहीं बताता मैं इसको, आप पहले समझना खुशी मिलेगी, बहुत इजी वे से, इससे इजी वे होता ही नहीं है, बस ये समझ लो। देखो जब भी ये इस टाइप से लिखा है जैसे 7/25 लिखा जाए, तो आप यहां पर ट्रिपलेट्स बना लीजिए, ये 7 हो गया, सॉरी बेस पे क्योंकि कॉस लगा है ना, कॉस लगा है तो 7 आधार होगा, हाइपोटेनस 25 होगा, और ट्रिपलेट्स आप जानते हो कि 7 24 25, तो ये 24 घोषित हो जाएगा। इसी हिसाब से ये वाला फंक्शन बना लो, ये दूसरा रहेगा, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन रहेगा, ध्यान देना ये 90 घोषित करो। अब 15/17 तो 15 आधार होगा, 17 हमारा कर्ण होगा यानी हाइपोटेनस, और ट्रिपलेट्स 8 15 17 8 15 17 8, ऐसे, ठीक है, सभी मुस्कुराना और बोलना हां, नहीं तो आप स्वयं जिम्मेदार। अब पहले बात को समझो, इसी चीज को, क्योंकि आप जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो या तो साइन के टर्म्स में लाना है, या कॉस के, या कॉट, या टेन, इनके टर्म्स में आपको आंसर भी लिखना है। तो सर क्या करें, सर क्या करें, कुछ ना करो, ये जैसे अभी कॉस का लिखा है ये चीज, तो ये इसका मतलब एक तरीके से जो ये कॉस में लिखा है, तो इसको ये समझो कि ये कॉस, अब ये जो फंडा है मैं समझाने का तरीका बता रहा हूं, ये नहीं कि सर यही होता है वाई दिस कोलावरी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम किस में आंसर आना है, पर ये तो दिख रहा है कि क्या है। तो यहां पर जब फॉर्मूला आप पढ़ते हो तो ये कॉस एक तरीके से ए माइनस बी का प्रयोग होता है, ए वाला फंक्शन ये वाला यूज कर रहे हैं और बी वाला ये कर रहा हूं। पहले बात को सुनना, बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान। अब हमें कॉस ए माइनस बी, क्योंकि ये वाला पूरा जो पैटर्न बनता है इसका फॉर्मूला वो ए माइनस बी के रूप में बनता है, तो कॉस में ही है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी कॉस ए कॉस बी फिर प्लस साइन ए और साइन बी होता है, क्योंकि माइनस है तो प्लस में होता है, सभी मुस्कुराना बोलो हां। अब यहां से आप कॉस ए कॉस बी का मान, तो कॉस ए 7/25 हो गया, कॉस बी ये हो गया 15/17, साइन यहां से निकाल लो 24/25 हो गया, 24/25
25 हो गया और साइन भी 8/17 हो गया। देखो एलसीएम में नीचे तो सभी के एक ही चीज है, 25 × 17 यानी 250 और 425 हो जाएगा क्योंकि सारे ऑप्शन के नीचे 425 ही है, 425 ऐसे हो जाएगा। अब ये 15 × 7 = 105 होता है और 24 × 8 = 32 3 हासिल, 8 × 2 = 16 और 3 = 192 तो ये 7 आया, 5 × 2 = 7 ये 9 आया और ये 2 आया, ठीक है। और ये हमारा cos इनवर्स में आ गया 297/425। फिलहाल ये तो है ही नहीं, cos इनवर्स में तो 304/425 है, साइन इनवर्स में 304/425 है, बाकी में है पर हमारा तो cos इनवर्स की ये वैल्यू है, यानी ये दोनों तो आंसर होने ही नहीं। सुनो और cos भाई ये तो होने ही नहीं क्योंकि cos इनवर्स का ही मान ये है, थोड़ा कॉमन सेंस, cos इनवर्स का ही ये मान है तो cot 10 तो होना ही नहीं और cos इनवर्स का ये मान है हमारा 304 निकला है तो ये भी नहीं, आंसर ये हो जाएगा। सर ये कैसे, वाई दिस कोलावरिटी, मुद्दे हैं मेरे भाई दोस्तों, मुद्दे हैं कि सर तीन तो देखो तीन एलिमिनेट हो गए, आप जो भी प्रोसेस यूज करेंगे उससे तीन एलिमिनेट हो गए तो पहला आंसर, आप ये तो कसम नहीं खा रखे थे कि साइने वाला होगा तो हम साइन का फंडा लगा के बताएं, समझ गए ना, ये इसकी निंजा टेक्निक है। अब सुनो अगर आपको लगता है कि सर मजा नहीं आया, हाँ, या हो सकता है कि चारों के चारों जो आप ये वैल्यू निकालो चारों मैच ना कर, चारों वैसे भी नहीं मैच कर रहे तो आंसर तीन तो एलिमिनेट ही हो गए क्योंकि होने नहीं है, ठीक है भाई, cos cos इनवर्स की वैल्यू ये है तो ये तो cot और 10 की है, समझ गए ना, और cos की वैल्यू 304 है, यहां 297 में तो तीनों कट गए, सिर्फ साइन के होने के चांसेस हैं और वही आंसर होगा। तो मजा नहीं आया तो फिर से मजा लो, यहां दिमाग लगा लो भाई, आज ये बड़ी वैल्यू दी है ना, छोटी छोटी वैल्यू होती है तो 425 ये हो जाएगा, 297 ये हो जाएगा, बोलो हाँ, पाइथागोरस लगाओगे तो 425 का स्क्वायर माइनस 297 का स्क्वायर होगा, समझ गए ना, अब 425 297 तो वैसे तो आप चाहो तो 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 मतलब यूनिट प्लेस में 5 और 7 के स्क्वायर में 49, 9 15 में से 9 गया 4, 15 में से 9 गया 6 जो कि 4 का स्क्वायर में ही 6 आता है, यानी आंसर ए हो जाएगा। अगर तसल्ली नहीं तो इसको सॉल्व करो मेरे भाई, इसको सॉल्व, देन यू विल डिसाइडेड द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। कैसे सॉल्व करें मुझे खुद नहीं समझ में, मैं क्या बता दूं, 15 में से 7 गया 8 आया, 11 में से 9 गया 2 आया, 128 ये आ जाएगा, 15 में से 7 गया, बड़े पेशेंस रखना पड़ेगा, 15 में से 7 गया 8 आया, 11 में से 9 गया 2 आया, 3 में से, ठीक है अब दोनों को जोड़ दो, 7 × 5 = 12 हासिल 1, 9 × 2 = 11 हासिल 1, 4 × 2 = 6 = 7 ये हो गया। अब देखो यहां पर थोड़ा सा निंजा टेक्निक, अगर मैं इसका 2 इसको उधार दे देता हूं, इसको उधार दे देता हूं तो ये 256 हो जाएगा, 256 जो कि 16 का होता है तो 16 बार आ गया तो ये आधा हो जाएगा, 361 जो कि 19 का होता है, 16 × 19 16 × 9 = 144 14 हासिल, 16 × 1 = 16 और 16 × 14 = 30 304 आ गया, 304/425 यानी इसी को आप कन्वर्ट करोगे अगर साइन इनवर्स में तो 304/425 हो जाएगा। देखो ये करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, भाई ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तो पूरा कर रहा हूं, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में ही आपको निंजा टेक्निक से आंसर बता दिया, पहले मुस्कुराना और बोलना हाँ, ठीक है। आप दूसरा तरीका भी आजमा सकते हो, ठीक है, आपके पास अगर समय है और बैठे हो, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा बताता हूं,
इसी पैटर्न से बताऊंगा। दूसरा तरीका, बहुत सारे तरीके, तो जो YouTube में मैंने बताया ना वीडियो देख लीजिए, खुशी मिल जाएगी। एक क्वेश्चन में क्या पूरी की पूरी थ्योरी समझा दे आपको। अब मालूम चला पहला ऑप्शन साइंस में साइन में, तो इसी पैटर्न को आप, ये जो साइन ए माइनस बी दिख रहा है, मतलब एक तरीके से ये साइन ए माइनस बी कर लू, तो क्या होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन, और इसका मान यहां से उठाओ, ये इन्वर्स में ही हो जाएगा, वो अपनी निंजा टेक्निक है उसी को सारा लेते हैं। साइन ए का मान यहां 24/25 और कॉस ए का मान यहां से 7/25, कॉस बी का मान 15/17, साइन बी का मान 8/17, ठीक है। तो ये तो 360 हो गया, नीचे 425 दोनों में रहेगा, 8/56 ये हो गया 425, ऐसे 304/425 हो गया। और ये साइन में खेला है तो ये साइन इनवर्स करके बोला जाएगा, हो गया ना। लेकिन ये तरीका तब है, हमको आंसर मालूम है तब हम ये ज्ञान लगा रहे हैं, तो फायदा क्या मेरे भाई। तो पहला तरीका जो बताया है जैसा है वैसे करो, फिर ऑप्शंस पे ध्यान दो, देन यू विल डिसाइड इट, ठीक है, क्लियर ना। बढ़िया क्वेश्चन। एक अर्ध गोलाकार कटोरा चांदी से बना है, इसकी आंतरिक व्यास इतना है और मोटाई इतना है। अर्ध गोलाकार बोला गया है प्यारे दोस्तों, यानी एक हेमी स्फीयर बना लो और इसकी आंतरिक मोटाई की बात कर दी, तो अंदर की ओर ले आओ, उसका व्यास 4 है तो त्रिज्या अंदर वाले की 2 हो जाएगी। साथ में हमसे आगे चल के इसने मोटाई कहा है 0.5, तुम 0.5 बाहर, तो बाहर की जो त्रिज्या हो जाएगी वो 2.5 हो जाएगी। कटोरे को बनाने में उपयोग की गई चांदी की मात्रा 0.2 स्तर तक सही ढंग से ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शंस दूर दूर हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस नियरेस्ट है और सिमिलरली ये दोनों भी नियरेस्ट है, यानी सावधानी हमारी कैलकुलेशन में होनी चाहिए। पहली बात, पाई का मान हमें 3.14 दिया गया है, हम ना भी यूज करें 22/7 तो भी उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0.2 स्थान तक ही चाहिए कोई, क्योंकि 0.2 स्थान पे यही वैल्यू होती है, 3.14 ही होती है, ठीक है, पाई की भी और 22/7 की भी। तो प्यारे दोस्तों इसका आयतन चाहिए, मतलब चांदी की मात्रा, तो हम 2/3 ऐसे लिखेंगे, पाई का मान 22/7 ही प्रयोग कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आर टू का क्यूब यानी 2.5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ऐसे बच्चा जानता है कि 25 का जो क्यूब होता है वो एक तरीके से 125 होता है, और 8 इसमें और ये 0.5 लगा तो यहां लग जाएगा और 8 कम करना होगा, ये चीज सभी जान। 2/3 ऐसे लिखा, 22/7 ऐसे लिखा, इंटू अब यहां पर 2.5 का क्यूब 156 और 2 का क्यूब 8, तो इसको घटाकर यहीं से हम लिख दे रहे हैं, तो 7.625 आ जाएगा और ये वैल्यू आपके सामने ऊपर। अब यहां पर थोड़ा बहुत काट लो, ऐसा करो 7 से इसको काट दो 0.2 तक, 7 × 7 और 9 × 7 = 63 ये 62 तो पास में ही है, तो हमने बढ़ाया तो 0.9 लिख दिया। 3 से हम काट रहे तो इसको 1.08 समझ के काट दे, तो ये 0.36 आ जाएगा, 0.36 समथिंग, तो इसको हमने 0.36 समझ लिया, क्योंकि 36 × 108 होता है 0.2 भूल जाओ। अब 44 का गुणा हम इसमें कर ले तो 0.36 में 44 का जो भी आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा, बिल्कुल माइनर से बड़े में आंसर होगा। 36 × 144 = 14 हासिल, और 36 × 144
15.84 आया, तो इससे थोड़ा सा बड़ा, तो ये तो छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा ये आंसर होगा, ठीक है। 15.96 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक बेहतरीन सुंदर कैलकुलेशन है ये। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ है, बहुत अच्छी बात है। 30% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 200 वोट अवैध घोषित हो गए। देखो तो टोटल जो होता है वो अपने आप में एज ए 100x मान लो, 30% नहीं डाला तो 30x कम कर दो तो बचा कितना 70x, और 200 वोट अवैध हो गए 200 और कम कर दो तो 70x माइनस 200 हुआ। अब हमसे कहता है विजेता को वैध वोटों में से 65% वोट मिले, जो कैंडिडेट जीता है उसे इसका 65% मिला है, तो जो हारा होगा उसे इसका 35% मिलेगा, क्योंकि दोनों का सम 100 होता है। यदि वह 1200 वोटों जीता तो यानी इसका जो अंतर आया 30% उतने वोटों जीता है, तो आप 70x माइनस 200 ऐसे लिखोगे और इसका अंतर 30% यानी 3/10 ऐसे लिखोगे, जो कि 1200 के होगा। यहां से आप ईमानदारी से x को कैलकुलेट करो, ये 400 आ गया, यानी 4000 में दो जोड़ोगे 4200, यानी 70x बराबर 4200 के। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? क्या है दोस्तों, यहां 60 का गुणा कर दोगे 6000 इज द राइट आंसर। 11 का आंसर 6000 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन और प्यार से बताया। ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। व्रत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य की बात हो रही है। कहना व्रत की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या से दो गुनी होती है, ये ट्रू है। सर ये कैसे ट्रू? सबसे बड़ी जीवा केंद्र से गुजरती है, जिसे हम लोग डायामीटर कहते हैं, और ये त्रिज्या का डबल होता है, यानी ये ट्रू है। समतल में कोई भी तीन बिंदु दिए जाए, इन तीनों बिंदुओं से होकर हमेशा एक व्रत जाता है। लो हमने बना दिया तीन बिंदु, अब चला जाए व्रत, नहीं जाता, यानी ये वाला फॉल्स हो गया। कैसे भी तीन बिंदु बना दो, फॉल्स कंडीशन हो गई। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। कैसे? देखो वृत्त की परिधि होती है 2πr और त्रिज्या r, तो ऑलवेज ये 2π/1 का ही रेशियो होता है। आप देख लो वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात हमेशा स्थिर, त्रिज्या कुछ भी हो whatever, तो भी 2π/1 होता है। एक वृत्त पर शीर्ष और एक व्यास, एक भुजा व्यास वाला त्रिभुज समकोण होता है, अ ट्रायंगल विद अ वर्टेक्स ऑन ए सर्कल और वन साइड एज ए डायमीटर। अरे सभी जानते हैं अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, चाहे जैसे बना लो। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ट्रू, फॉल्स ओनली बी है यही आंसर। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए आज की डेट में। ए बी दो स्टेशन जो 420 किलोमीटर की दूरी पर है, हर किताब में मिलेगा। ये जो दूरी है वो 420 किलोमीटर की। एक ट्रेन सुबह 11 बजे ए से शुरू होती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर जाती है। यहां से ट्रेन 11 एएम पे चलती है और 70 की स्पीड से बी की ओर जाती है। फिर आगे हमसे कहता है दूसरी ट्रेन 12 बजे बी से शुरू होती है, 30 की गति से ए की ओर जाती है। तो यहां पर 30 की गति से जाती है, वे किस समय मिलेंगे? और ये 12 बजे चलती है। अब एक चीज समझो, रिलेटिव स्पीड तब हम लेते हैं जब दोनों के चलने का समय क्या हो, समान हो। मैं 11 बजे आप 12 बजे, किस बात का रिलेटिव स्पीड? पहले मेरे तो 12 बजाओ, समझ गए? तो 420 तो ऐसे हैं, 12 बजने में एक घंटा, तो एक घंटा तक मैं चला तो 70 हो गया, पहले बताओ। हां, और देखा ये जाए, अब दोनों का समय 12 बज गया, अब एक दूसरे की ओर आ रहे, तो 30 और 70 का सम 100 हो गया।
350/100 यानी 3.5 घंटा, 3.5 घंटा, इससे टाइम ही निकल रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3.5 घंटा। तो 12 में 3.5 घंटा आप जोड़ दीजिए तो 3:30 बज जाएगा दोपहर के, तो 3:30 PM हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सभी किताबों मिलेगा, आप कोई भी किताब गलती से खोल के पढ़ोगे स्पीड टाइम डिस्टेंस जरूर मिलेगा। ये तो फर्जी क्वेश्चन अभी तक, टाइम एंड वर्क CHSL में बहुत फर्जी आया अभी तक, अब अंतिम 2 सेट में क्या आ जाए वो बात की बात है। मीरा एक काम को 20 दिन में करती है, नीना उसी काम को 30 दिन में, सीमा 40 दिन में, LCM 120 ले लो, क्षमता 6-4-3। मीरा और सीमा ने 4 दिन 7 काम किया, मीरा और सीमा ने 4 दिन 7, 1 दिन में 9 लड्डू, 4 दिन में 36 लड्डू बनाए, 36 कम कर दो 84 बचे। फिर कहता है, फिर मीरा की जगह नीना आ गए, मतलब अब मीरा नहीं, मीरा की जगह नीना आ गए। अब ये दोनों मिलकर 1 दिन में 7 लड्डू बनाते हैं, 7 से भाग दे दो, 12×7=91, 12×7=84 तो होता है, तो 12 आएगा। हमसे कह रहा कुल मिलाकर कितना दिन, 12×4=16 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सरल तरीके से, और आपका जो आंसर है वो 16 दिन आएगा। ठीक है, 25 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि बड़े भाग का 6 गुना छोटे भाग के 4 गुने में जोड़ने पर 130 प्राप्त हो। 25 को 2 भाग यानी x+y में हमने डिवाइड किया, जिसका योग, अब हमसे कहता है हमने x को ही बड़ा माना, कह रहा बड़े भाग का 6 गुना, तो x का 6 गुना, छोटे भाग का 4 गुना y, दोनों को जोड़ने पर 130 प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कैलकुलेट कर लो मेरे भाई, आप x निकालो तो यहां 4 का गुणा होगा और ऐसे करके घटा दो, तो 2x, 6x से 4x गया तो 2x आएगा, तो 130 तो ये 30 आया, यानी x=15 आ गया। जब x=15 तो y=10, क्योंकि दोनों का योग 25 होगा, तो बड़े भाग ज्ञात करो, बड़ा भाग 15 हो जाएगा। ये तालिका एक स्कूल में क्लास 10th के विद्यार्थियों के 3 सेक्शन ABC की अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा में परिणाम दर्शाती है। कम से कम 2 परीक्षाओं में से 1 सेक्शन A का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, कम से कम 2 परीक्षाओं में सेक्शन ए का उत्तीर्ण क्या है। देखो फेल इन बोथ, ये तो दोनों में फेल हो गया, तो इसको तो लेना ही नहीं है, एक में पास एक में फेल, एक में पास एक में फेल, दोनों में पास, यानी ये पूरी वैल्यू लेनी है, जोड़ लो 75 91, इसका योग आया 91 और 39 जोड़ोगे तो 130 में से, क्योंकि टोटल लेना होगा, और इनटू 100। सेम क्वेश्चन रेलवे में आया, 13×7=91, 7×10=70% हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। किसी संख्या को 459 से भाग देने पे शेषफल 19 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17, तो हमेशा याद रखना निंजा टेक्निक, ये वैल्यू जो पहली वो 17 का मल्टीपल होगा, चाहे चेक कर लो। तो भाग किसमें देना होता है, जो इसमें शेषफल बचता है, तो 19 में 17 से भाग दोगे रिमाइंडर 2 आएगा, ये सभी को मालूम है, इसमें ज्ञान नहीं देते। ए का मान ज्ञात करो, जिसे 7 अंकों वाली संख्या इतना 72 से विभाजित, 72 का मतलब 8 और 9, क्योंकि इसका LCM 72, SCF 1 होना चाहिए। अब यहां ए आए, तो अब ए के मान ही चाहिए 3201, तो पहले 3 रखो, 352, 352
52, तो 32 32 यानी ए का मान 3 हो सकता है। देखो दो रखो 24 12 नहीं हो सकता, ये तो स्वाहा हो गया। जीरो रखो 52 नहीं हो सकता, एक रखो एक 8 हाँ एक भी हो सकता है, यानी ए के दो मान अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, वरना आगे चल के बहुत हो सकते हैं। एक है, तीन है, फिर पांच होगा, फिर सात होगा, फिर नौ होगा मोटा मोटा, क्योंकि ये इधर से देखा जाए तो ए फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, इकाई दाई सैकड़ा नहीं समझे नहीं, 100 पोजीशन है वो बात अलग है, हमारा माइंड के हिसाब से पहला जो अक्षर लिख रहे हो उसकी बात हो रही है ठीक है। तो वो एक तीन पांच सात नौ, पर ऑप्शन से हमें दो ही लेने हैं, तीन और एक। तो खेल जाओ मेरे भाई, नौ से डिविजिबिलिटी तो पहले तीन ले लो, ए का मान तीन घोषित कर लिया हमने पहले, तो नौ ये दो शेष बच गया, यानी ये तीन नहीं होगा एक होगा, ये होगा नहीं ये आंसर, सर तब भी नहीं मानेंगे तो लिख लो ना 4645152। अब देखो ये नौ से डिविजिबल है कि नहीं, चार पांच नौ, चार पांच नौ, दो तीन छह नौ, यानी डी इज द राइट आंसर। निम्न तालिका 2016 और 2020 में काटे गए पेड़ों की संख्या दर्शाती है, 2016 में काटे गए बरगद के पेड़ों की संख्या की तुलना में 2020 में काटे गए बरगद के पेड़ों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पेड़ काटे जा रहे हैं पहले तो ये सोचो, देख लो क्वेश्चन तक की पेड़ काटने में आ गए। 2016 में 20,000 पेड़ काटे गए थे बरगद के, जो कि लोग पाप मानते हैं कि बरगद और बरगद का पेड़ नहीं काटना चाहिए, पीपल और बरगद का लोगों का मानना है ठीक है, उसमें हम भी शामिल है समझ, और पेड़ काटना ही नहीं चाहिए ठीक है, कुछ केसेस हो तो उस पर आप कर सकते हैं, एक काटिए 10 लगाइए, और 10 लगाने के बाद फोटो मत खिंचाइए, उनको पहले बड़ा होने दीजिए, जब बड़े हो जाए तब फोटो दिखाओ कि 10 ठो पेड़ हमने लगाए थे, ये भी है। तो 20,000 काटे गए 2016 में और 2020 में 38,000, दोनों का अंतर आया 18,000 अपॉन 20,000 इंटू 100, 2020 90%। चलो एक ज्ञान की बात बता दे इसमें, पहले मेरे ज्ञान की बात सुनो, कोशिश जीवन में ये करो जब कोई काम पूरा हो जाए तब आप दुनिया को दिखाओ कि हमने ये काम कर लिया। सर फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास चार पैसे आए ठीक है, अब क्या है कि मान लो आपने कोई जमीन खरीदी तो आप दिखा रहे हो हमने ये जमीन खरीदी, फोटो खींच के डाल लो, फिर मालूम चला उसकी पूजा हो रही है उसकी फोटो खींच रहे हो, न्यू बन रही है उसकी, जब तक मकान पूरा बन ना जाए गृह प्रवेश में लोगों को बुलाओ, अपने आप सब देख लेंगे कि तुमने क्या किया, बात को समझे नहीं, यानी कहने का सेंस एकदम मिली खुशी को आप दिखाने मत बैठिए कि ये हो गया, पेशेंस रखिए, खुशी को पचाना सीखिए। आजकल लोग क्या करते हैं, एक रेस्टोरेंट जाते हैं पहले तो पूरे रेस्टोरेंट की फोटो खींच देते हैं, ऊपर टैग इस रेस्टोरेंट में गए, फेसबुक अपडेट, मैं भी करता था एक समय पहले 4-5 साल पहले, अब जाके देखिए फेसबुक में मेरी नाम मात्र की पोस्ट है 3-4 साल में, जबकि 4-4, 5-5 आईडी हैं, तो 4-4, 5-5 आईडी कैसे बनी, इस पे हम किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे ठीक है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग ऑफिशियल आईडी बनती गई, आईडियो में भी आपने नहीं देखा होगा मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो मेन आईडी है वो मेरी BHU की है, उसमें जीमेल आईडी क्या है, प्रकाश अवस्थी .bhumca11-2011 मतलब ये एक आईडी है, मतलब BHU के अंदर ये आईडी चलती है, समझ गए, इस टाइप से मेरा आईडी ऑफिशियल, एक पैटर्न पे सभी के जितने हमारे बैचमेट है सभी की ऐसी बनी होगी, उनका नाम डॉट करके ऐसे बैच 11। श्याम की आय राम की आय से 20% कम, सौ रुपए मिल गए, दिखाने लग गए 100 रुपए मिल गए, ये सब नहीं, पेशेंस खुशी को पचाओ।
श्याम की आय राम की आय से 20% कम, 20% कम यानी 1/5, 5 राम की आय और श्याम की 4 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्न के हिसाब से राम की आय श्याम से कितनी अधिक है, दोनों का अंतर 1/4 × 100 यानी 25% अधिक है। पांच हजार की राशि दो व्यक्तियों को उधार दी गई, एक को 16% की दर से, दूसरे को 24% दर से, एक वर्ष के बाद साधारण ब्याज में 960 मिलता है उस दर पे। देखो अपने पास दो तरीके, हम दोनों बता देते हैं। पहला तरीका आपका अच्छा वाला मिक्सचर एलिगेशन, 16% पहले को, दूसरे को 24%, ओवरऑल 960 ब्याज मिल रहा है आउट ऑफ कितने में से, 5000 में से, 1, 2, 3 काट लो, 96/5, 2 × 18 = 19.2 आ जाएगा, ओवरऑल 19.2 मिक्सचर एलिगेशन से घटा दोगे तो ये वैल्यू 4.8 आ जाएगी और ये 3.2, 16 × 3 = 16, 3, 2, 5, 5 बराबर 5000 के, 2 बराबर 2000 के, क्योंकि यही पूछा गया है 24% वाला उच्च दर वाला, तो 2000 इज द राइट आंसर ये। लेकिन हम आपको बता दें जब ये वैल्यू 19.2345 और दशमलव में आती जाए डसने टाइप की, तो इस टाइप से फिर नहीं करते हैं, फिर प्रकाश सर हाईटेक मेथड को ही करते हैं। समझो मेरे घर वालों ने 5000 रुपए मुझे दिया, कहा जाओ बेटा दो बैंकों में जमा कर दो, मेरी कहानी को सुनना। तो एक बैंक रेट ऑफ 16% देती थी पर इसमें सिक्योरिटी थी, ठीक है, और एक में क्या 24% दे रही है ब्याज में, तो यानी 16% के साथ 8% एक्स्ट्रा दे रही है, इनसिक्योर बैंक है, ठीक है, कि आपने शेयर मार्केट में बैंक के थ्रू लगा दिया और खेला हो गया म्यूचुअल फंड, समझ लेना। एक वर्ष के बाद आपको 960 रुपए प्राप्त हुए और आपका पैसा बन गया, सीधी सी बात है। तो 16% तो आपको मिलना ही मिलना है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, तो 16% 5000 का निकाल लोगे तो 8000 कम कर दोगे, यानी 160 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। हाँ रिस्क ये है ना, तो 8% बराबर 160 के, क्योंकि यही एक्स्ट्रा वाला है, तो 1% बराबर 20 के, हायर दर ये वाली थी तो 1% 20 के, तो 100% निकालोगे तो 2000 रुपए आपने 24% वाले में लगा दिया। हो सकता है आपको समझ में ना हो, उदर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो आपके दो आर ए कहाँ गया, ठीक है, कैमरे में नहीं आ रहा है, जैसे टाइम देखो कटा हुआ है, समझ आ रहा है, आज धरने में बैठ जाओ, पीपीटी में आएगा। एक दुकानदार अपने सामान को वास्तविक वजन से 27% कम वजन पर बेचता है, यानी आप गए सर जी 100 ग्राम टमाटर दे दो, और प्रकाश सर को तो जानते ही हो 73 ग्राम देंगे हम आपको, समझे, आप फिर हमने कहा मतलब आप आए 100 ग्राम से टमाटर, तो हम जितने में सामान लाते हैं उतने में बेचने का दावा कर रहे हैं, तो उस तो कमाएंगे ना, तो 100 ग्राम की जगह 73, ये ज्यादातर कहाँ होता है, ये बता दे ज्वेलरी लेने वाले पास, गोल्ड का रेट क्या इतना चल रहा है यार, पहले दो दिन पहले तो इतना था, तो तुम अपने उतने में क्या, वो अपने घर से देगा, खेल जाता है ज्वेलरी में सर, कैसे खेल जाता है, तुमको क्या मालूम कितना सोना है कितना क्या है, ठीक है। हाँ अब कुछ जगह मशीनें आ गई, वो बात अलग है, वरना सब व्यवहार पे काम चलता है, कि उन्हें किसी से गोल्ड खरीद लाए जिस दुकान से, तो वापस करने जाओगे ना तो 80 या 90% मिलेगा, 100% में मिलेगा, समझ गए ना, और जब सोना खरीदने जाओगे बड़ा कुछ है, मेकिंग चार्ज दुनिया चार सब झोंका जाएगा आपको, है, और जबकि 100% सोना भी नहीं देते, बनता ही नहीं 100% में मजबूत वैसे भी, भैया उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 73 की चीज 100 में बेची जा रही एक तरीके से, तो भैया लाभ 27 रुपया आपने कमाया आउट ऑफ 73 × 100, 2 जीरो यहीं लगा लो, भाग दे दो 73, 7 × 21 = 28 नहीं लगभग में ये आएगा, खत्म बात, ज्यादा सोचना ही नहीं है भाई, 7 × 28 तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो है वो 73 है ना, 290 के आसपास आ रहा, 270 है, 290 के आसपास आ रहा चार बार में, तो ये तो होना ही नहीं है, ये इतना भी नहीं कि 0.2 कम, 2-3% कम, ये आएगा
ठीक है, बाकी भाग अंक देख के सेट कर लेना। ओ व्रत का केंद्र जिसकी दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। देखिए व्रत कैसे बनाते हैं लाइव देखिए यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, आप ये ना करना। ओ व्रत का केंद्र है, केंद्र देखिएगा बिल्कुल सटीक जगह आएगा। ओ व्रत का केंद्र है जिसकी दो जीवाएं हैं ए बी सी डी, एक दूसरे को व्रत के अंदर बिंदु पी पे काटती है, कहीं निपटा रही होंगी ये दो जीवाएं बिंदु पी पर निपटा रही, पी फॉर प्रकाश। ए बी 22 के हैं और सी डी हमका नहीं मालूम। अच्छा ए बी 22 है और पी बी 14 है, यानी ये 14 है टोटल ए बी 22 है, तो ये 8 हो जाएगा। अभी खेला होता मैं सब पी पी 8 है तो हमसे कह रहा ये क्या, तो ये 14 होगा, खत्म बात, क्योंकि जो इन दोनों का गुणा होता है वही इन दोनों का होता है, मुद्दा खत्म। 14 आंसर। सर हम तो समझे ही नहीं, आज तो पक्का धरने में बैठेंगे, समझा देते हैं। पी से ए इंटू पी से बी बराबर पी से सी इंटू पी से डी, हमको एक तरीके से पी डी निकालना है, तो पी सी का मान 8 है, पी ए का मान प्रकाश दोस्ती प्रकाश भाई और पी डी चाहिए प्रकाश डॉन, तो पी डी आ गया 14। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समझ गए, ये क्वेश्चन का ऑप्शंस पेपर में 13.63 था, जो कि ये एरर है, अभी से बता दिया तो फालतू में हम ज्ञान दें, ये एरर है। अब इसकी जगह क्या आएगा वही ऑप्शंस कह लाएगा, यानी इस क्वेश्चन में पेपर में ऑब्जेक्शन करना था, समझ गए। ग्राफ दो कंपनी ए बी द्वारा 6 वर्षों की अवधि में अर्जित लाभ प्रतिशत को दर्शाती, पिछले वर्ष की तुलना में 2024 में कंपनी बी के प्रतिशत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, पिछले वर्ष की तुलना में 2014 में कंपनी बी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मुझे लग रहा है वही तो नहीं, बी है ना, देखो ये बी का जो आ रहा है बी मतलब ये वाला बिंदु बी का ये वाला जो कि 45 आ रहा है और आज ये 50 आ रहा है, दोनों का अंतर 5/45 × 100 बस यही आंसर सत्य है, 1/9 यानी 11 सही, मतलब 11.11 इस ऑप्शन जगह 11.11% होगा, ये राइट होगा, याद रहे मेरे भाई। पेपर की आंसर की में 13.63% था जो कि एरर, ऑब्जेक्शन कर सकते थे। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, सम चतुर्भुज बनाया जाए, दया दिस इज द रोम्बस, क्योंकि सम चतुर्भुज का एरिया तो वैसे 1/2 दोनों डायगोनल का इनटू होता है, लेकिन सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, समझ गए ना, तो बेस इंटू हाइट भी हो सकता है, हाइट हमको 5 दी गई है, ये सम चतुर्भुज के, तो बी फॉर बेस यानी ए, इन दोनों का इंटू भी एरिया कहलाता है, बेस इंटू हाइट, ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, सम चतुर्भुज में कई तरीके से एरिया निकालते, तो ए इंटू 5 = 70 ए बराबर 14 के, हमसे अगर भुजा कह रहा है इसका परिमाप सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो 14 × 56 = 56 तो 25 का आंसर 56 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा, अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद। और 2 सेट बचे हैं, हो सकता है आज ही खत्म कर दो।